हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योमेट्री का बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन मार्च 2020 का पार्ट टू और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू ए और क्वेश्चन नंबर टू बी तो क्वेश्चन नंबर टू ए में आप देख रहे हो कि क्या लिखा है कि कम्प्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कोई दो एक्टिविटी करना है और फुल मार्क्स आपको फोर मिलेगा मतलब तीन एक्टिविटी है पर तीनों को सॉल्व करने पर सिक्स नहीं मिलेगा फोर ही मार्क्स मिलेगा तो ये पहला क्वेश्चन है फिर उसके बाद ये सेकेंड क्वेश्चन है और ये थर्ड है ये क्वेश्चन नंबर टू ए था और टू बी में जो हम करने वाले इस वीडियो में उसमें क्या लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी फोर तो एट मार्क्स का है टू मार्क्स के एक क्वेश्चन है एनी फोर करना है आपको कितने क्वेश्चन दिए देखिए यहाँ पे वन टू दिख रहा है थ्री फोर और फाइव फाइव क्वेश्चन यहाँ पे दिया तो इतने क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू ए का फर्स्ट क्वेश्चन तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो ये सर्कल चैप्टर का है और ये जो पार्ट है ये कैंसिल किया गया है आज ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पीडीएफ अपलोड किया है जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के जो रिड्यूस्ड सिलेबस हैं आपको मिल जाएंगे इससे और ज़्यादा क्लियर अगर कहीं मेरे को और मिलता है तो मैं आप कभी उसको भी अपलोड कर दूंगा इस पर भी आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है तो देखिए चैप्टर नंबर थ्री अगर आप देखोगे तो 75, 76 और 282 ये जो देख रहे हो ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड केन और कंप्लीट पेजेस 76 से 82 जो कैंसिल किया है इसी के अंदर वो पार्ट आ रहा है एक बार बुक में भी देख लेते हैं तो देखिए ये है पेज नंबर 75 जिसमें ये कैंसिल हुआ है आप देखोगे पी भी है अलग से फिर उसके बाद जो आगे के जो क्वेश्चन पेजेस हैं सेवेंटी सिक्स से लेकर पूरे आगे तक उसके अंदर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस बोर्ड पेपर में वो इसके अंदर फॉल होते देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा है ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है तो ये कैंसिल हुआ है इसके लिए हम ये वाले क्वेश्चन को भी ओमिट करने वाले हैं तो देखिए ये उसी के बेस पे था तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो चलिए इसके बाद अगर चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे तो वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का दिया है कि इफ सेक्टा देखिए ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट है और सेकेंड एक्सरसाइज पूरा ओमिट है तो ये प्रूफ वाले सम्स हैं वहाँ पे तो इसमें क्या लिखा है इफ़ सिक्स थीटा इज़ ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइन द वैल्यूज़ ऑफ या वैल्यू ऑफ़ सिर्फ़ एक ही चीज़ पूछा टेंथ थीटा और वो भी आप जानते हो सिर्फ एक्टिविटी है तो आपको करना क्या है आपको जो boxes है, ये जो बॉक्सेस हैं ये फिल करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हमको लिखना पड़ेगा तो हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं यहाँ पर आंसर लिखते हैं तो यहाँ पर आंसर टू लिखेंगे आंसर टू क्योंकि आंसर वन जहां पे लिखोगे उसके ऊपर आप लिखोगे मेन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टू ए जो मैंने पहले की वीडियो में बनाया है तो आंसर टू लिखते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन और क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पे भी सॉल्यूशन है और इसके आगे से शुरू करेंगे तो पहले ये पूरा लिख देते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क् थीटा तो यहां पे लिखते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा तो हमने ये चीज़ लिख दिया उसके बाद फिर ये लिखा और यहाँ पे बॉक्स किया तो ये पूरा लिखेंगे और बॉक्स ये पे जो फिल करना है उसको किस तरह फिल करेंगे वो दिखेंगे तो चलिए एज इट इज़ कॉपी करके बॉक्स बना लेंगे तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ तो देखिए इस तरह यहाँ पे लिखा है अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बॉक्स है और उस बॉक्स पर क्या आएगा पहले ये समझना है आपको तो ये सब कुछ सेम लिखा है यहाँ तक उसके बाद सेक स्क्र थीटा लिखा है और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन करके यहाँ पे एक बॉक्स रखा है तो 25.7 जो देख रहे हो वो सेक थीटा का वैल्यू है और यहाँ पे सेक थीटा के जगह पे अगर हमने 25.7 लिखा है तो सेक्क स्क्वायर लिखा है और स्क्वायर यहाँ पे मिस है क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू 25.7 है तो सेक थीटा के प्लेस पे हमने क्या लिखा 25.7 और ये जो स्क्वायर ये बच रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे और फिर इसको पेंसिल से एक बॉक्स बना देंगे देखिए पेंसिल से और पेन से बनाना है ये थोड़ा टीचर से भी कंफर्म कर लेना लेकिन एक्टिविटी है तो आपको सिर्फ वही लिखना है जो बॉक्स के अंदर बताया है उसको सॉल्व करके भी नहीं बताना है इसके बाद का स्टेप में क्या लिखा है ये पूरा हो गया उसके बाद ये सब को लिखा है और यहाँ पर क्या आएगा वो लिखना है तो हम पहले ये लिख लेते हैं फिर इसको देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो देखिए तो हमने इतना लिखा है और उसके बाद क्या है उसके बाद एक बॉक्स है और बॉक्स में क्या आएगा वो आपको समझना है तो यहाँ पे अगर इसी पेज पे समझते हैं तो क्या लिखा देखिए टेंथक्वा थीटा टेंस को थीटा इक्वल इक्वल ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे आपने स्क्वायर लिखा था तो ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर आप जानते हो सिक्स ट्वेंटी फाइव होता है सेवन का स्क्वायर फोटी नाइन है फिर माइनस लिखा है और बॉक्स बना है तो ये जो वन देख रहे हो ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसका यही मतलब है कि ये वन को राइट साइड में लाया है और ये प्लस वन था और इसलिए जब राइट साइड में आया तो माइनस वन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वन तो आपको यहाँ पे वन लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे वन तो आप पहले लिखिए उसके बाद फिर आप बॉक्स बनाइए इसके ऊपर आउटलाइन बनाइए तो इतना हमने लिखा इसके बाद अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसके बाद फिर ये लिखा है तो डायरेक्टली ये एज़ इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और अगर इसको आप समझोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है सिक्स इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है तो सिक्स ट्वेंटी फाइव वन फिर माइनस वन इन फोर्टी फिर अपो ऑन फोटी नाइन वन फिर इसके बाद के स्टेप में क्या लिखा वो देख लेते हैं तो इसके बाद के स्टेप में ऊपर एक बॉक्स है और नीचे जो 49 है वही लिखा है और ऊपर जो बॉक्स है उसके अंदर क्या आएगा स्टूडेंट्स तो उसके अंदर इन दोनों को सब करने पर जो नंबर आएगा वो लिखेंगे तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं तो ऐसा लिखा अब 625 में से आप 49 माइनस करोगे तो आपको मिलता है 576 तो पहले आप लिख लीजिए और उसके बाद आप इसके ऊपर बॉक्स बनाइए तो इस तरह हमने यहाँ तक किया इसके बाद अगर क्वेश्चन देखते हैं तो उसके बाद डायरेक्टली लिखा है देरफो टेन थीटा विच इज इक्वल टू डैश अपॉन सेवन और यहाँ पर लिखा बाई टेकिंग स्क्वायर रूट तो सिंस लेफ्ट साइड में जो था वो टेन स्क्वायर थीटा था और यहाँ पे टेन थीटा किया मतलब ये स्क्वायर हटाया है इसका मतलब है कि टेकिंग स्क्वायर रूट लिया है इसका स्क्वायर हटा है तो टेन थीटा आया तो फोटी नाइन का मतलब सेवन का स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर हटेगा तो सेवन आएगा और सिक्स ट्वेंटी फाइव में से फोर्टी नाइन जो हमने माइनस किया था फाइव सेवेंटी सिक्स मिला था फाइव सेवेंटी सिक्स का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा ट्वेंटी फोर क्योंकि ट्वेंटी फोर को दो बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइव सेवेंटी सिक्स मिलेगा और सेवन को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो टेन्स सॉरी सेवन मिलेगा और टेन थीटा को दो बार मल्टीप्लाई करो तो टेन्न स्क्वायर थीटा मिलेगा तो हर तरफ से हमने क्या क्या स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे लास्ट में हमको क्या लिखना है 576 जो यहाँ पे हमने लिखा उसका स्क्वायर रूट 25 लिखना है सॉरी ट्वेंटी फोर लिखना है तो पहले ये लिख लेते हैं उसके बाद फिर uh, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं देर फोर तो देखिए हमने इस तरह लिखा है जो क्वेश्चन में था सब कुछ और बॉक्स को रखा है सिर्फ यहाँ पे तो बॉक्स की जगह पर इसका स्क्वायर रूट आएगा नाइन का सेवन है टेन स्क्वायर का टेन है तो फाइव का ट्वेंटी आएगा तो ट्वेंटी लिख देंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बॉक्स बना देंगे और फिर आपका जो एक्टिविटी है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और आपको जो टू मार्क्स है वो पूरा का पूरा टू मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाता है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू खत्म हो गया अब इसके बाद एनी टू करना था तो दो तो हो चुका है जिसमें से कैंसिल था एक ऑप्शन में और है वो देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन जो आप थर्ड वाला देख रहे हो जिसके अंदर टोटल थ्री क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर टू ए में तो थर्ड क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये जो चैप्टर है ये मैंसूरेशन चैप्टर का है और वो भी आप जानते हो कैंसिल हो चुका है तो देखिए मैंसूरेशन पूरा का पूरा चैप्टर कैंसिल हो चुका है और ये क्वेश्चन इसी में मिलता है अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ टेक्स्ट बुक में तो देखिए यही वो क्वेश्चन है जो आपको पूछा है आपके टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 149 पे तो ये कैंसिल हुआ है मैंसूरेशन का टॉपिक है तो ये सब हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं तो ये सब ओमिट है इसलिए नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नंबर टू ए में तीन में से हमको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला जो इस ईयर के लिए वैलिड है बाकी दोनों ओमिट है तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू ए के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी के टू बी के तरफ तो इसमें क्या लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी फोर टोटल फाइव है और आपको फोर सॉल्व करना है तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस हो गया नंबर क्या लिखा देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू आर ये ट्राइंगल में पी क्यू आर एन एम इज पैरल टू आर क्यू एनएम जो है वो आरक्यू को पैरल है मतलब एक ट्राइंगल दिया है और ये वाला सेगमेंट ये वाले साइड को पैरल दिया है है आपको उसके बाद क्या लिखा कि PM is, uh, 15, PM ये जो डिस्टेंस है यहां से लिखेगा तक अगर एट है, है, है तो पी एन फाइंड आउट करिए तो ये चैप्टर नंबर वन सिमिलरिटी का है जहाँ पे बीपी टी बेसिक प्रपोशनलिटी थियरम का अगर हम यूज करेंगे तो आपको जो मिलेगा फॉर्मूला वो ये रहेगा पी एन अपॉन एनआर विच इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू और सिंस ये तीनों सेगमेंट के वैल्यूज है इनका बाकी है तो ये मिल जाएगा इसका मतलब तो चलिए हम इसको लिखते हैं किस तरह लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर वन उससे पहले हम ऐसा लिखेंगे क्वेश्चन नंबर टू और बी लिख देंगे और सेम पेज पे आप ए और बी वाले क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हो और यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर वन क्योंकि ये फर्स्ट आंसर है तो चलिए अब यहाँ पे डायग्राम आपके पास दिया हुआ है डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है आपको और चलिए इसको लिखेंगे कैसा इस पहले हम ये बताएंगे कि ये ट्राइंगल में ये दोनों पैरल है तभी हम बीपीटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंट्राएंगल पी क्यू आर एनएम इज पैरल टू आर क्यू तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले और लिखते हैं कि इन ट्राइंगल मैं लिख देता हूं तो देखिए हमने लिखा कि इंट्राइंगल पी क्यू आर एन एम इज पैरल टू आर क्यू और ये चीज दिया है तो इतना स्टेटमेंट हमने लिखा है और उसके बाद हम बोलेंगे कि फिर इसमें बेसिक प्रपोशनैलिटी थ्योरम से हमको मिलेगा पी एन अपॉन एन आर विच इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देर फोर बाई बेसिक प्रपोशनैलिटी थियरम तो हमने लिखा और क्या मिलेगा हमको तो हमको मिलेगा पी एन अपॉन एन आर तो हमको मिलेगा देर फोर या ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू तो यहाँ पे लिखेंगे पी एम अपॉन एम Q और अब जो जो वैल्यूज है अपने पास वो वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं देर फोर पी एन के प्लेस पे क्या लिखेंगे पी uh, एन नहीं दिया क्योंकि पी एन आपसे पूछा है तो पी एन एज इट इज रहेगा लेकिन एन आर जो है एन आर वो आपको दिया है एट तो पी एम सॉरी पी एन सेम रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा एट विच इज़ इक्वल टू पी एम और एम क्यू के प्लेस पे पी एम फिफ्टीन है और एम क्यू टेन है तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टीन और यहाँ पे आ जाएगा टेन और उसके बाद आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लेशन करके पी एन का वैल्यूफाइड करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लेशन करिए यह आप डायरेक्टली एट को उस तरफ भेजेंगे जो यहाँ पर डिवाइड हुआ है तो वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं देर फोर पी एन इज़ इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन टेन एज इट इज़ रहेगा और जो डिवाइड हुआ है वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इन एट हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो ये दोनों टू के टेबल में जा रहे हैं ये नहीं जा रहा है तो टू फाइव जा टेन और टू फोर ज़ा एट उसके बाद ये दोनों नहीं जा रहे ये दोनों सॉरी ये दोनों जा रहे हैं फाइव के टेबल में फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन तो फाइव वन जा फाइव और फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन डिनर में वन बचा उसको छोड़ देंगे तो फाइनली क्या बच रहा है विच इज़ इक्वल टू तो थ्री फोर जी ट्वेल्व थ्री इन फोर थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देर फोर पी एन इज इक्वल टू ट्वेल्व और सिंस को यूनिट नहीं दिया तो हम सिर्फ लिखेंगे यूनिट्स तो इस तरीके से आपको लिखना है तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सेकेंड क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ये है सेकेंड क्वेश्चन और इसमें क्या लिखा है इन ट्राइंगल एम एन पी एम एन पी इस ट्राइंगल के अंदर एंगल एम एन पी इज नाइन्टी डिग्री ये वाला जो एंगल है ये नाइन्टी डिग्री आपको दिया है सेगमेंट एन क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी एन क्यू जो है वो हाईपोर्टनेस पे परपेंडिकुलर हो रहा है तो उसके बाद अगर एम क्यू का वैल्यू ये वाला वैल्यू आपको दिया है नाइन और क्यू पी आपको दिया है फोर देन फाइंड एन क्यू तो आपको एन क्यू फाइंड आउट करना है सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है टू पॉइंट वन का आप जानते हो ज्योमेट्रिक मीन जो थियरम है इससे आपको मिलेगा क्योंकि कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर नाइन्टी डिग्री वाले एंगल से एक परपेंडिकुलर हाईपोर्टनेस पे होता है तो हमको एक फॉर्मूला मिलता है वो ये होता है कि इसका स्क्वायर एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू पी और यही तीन के बारे में यहाँ पे कुछ रिलेशन uh, दिया भी है और यही पूछा भी है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का वो अप्लाई करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर टू तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आंसर नंबर टू और यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और फिर हम पहले लिखेंगे पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा जो जो चीज दिया है यहां तक क्योंकि है यहां तक बताने के बाद ही आप ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखोगे तो हम लिखेंगे कि इंटर एंगल एम एन पी एंगल एम एन पी इज नाइन्टी डिग्री और सेगमेंट एन क्यू इज परपेनिकुलर टू सेगमेंट एम पी और फिर हम लिखेंगे देर फोर बाई ज्योमेट्रिक मीन थियरम तो चलिए यहाँ पे हम ये सारी चीज लिखते हैं तो लिखेंगे इन ट्राइंगल तो देखिए हमने इतना लिखा कि इन ट्राइंगल एम एन पी एंगल एन पी इज नाइन्टी डिग्री सेगमेंट एनक्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी आप चाहो तो यहाँ पे गिवन लिख सकते हो और उसके बाद जब इतना आप लिख लेते हो तो आप ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लिख सकते हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे देर फोर बाई ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम तो देखिए हमने लिखा बाई ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम और उसके बाद क्या मिलेगा आपको इसका स्क्वायर इज इस इक्वल टू तो ये मल्टीप्लाई बाई ये तो एन क्यू का स्क्वायर तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आप ब्रैकेट में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा कोई बात नहीं क्योंकि स्क्वायर सिर्फ इसके साथ नहीं पूरे के साथ है तो एम क्यू इन क्यू पी आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिखते हैं एम क्यू इंटू क्यू पी और अब चलते हैं हमको जो जो वैल्यूज दिया है वो सब्सिट्यूट करेंगे और जो पूछा है वो फाइंड आउट करेंगे तो हमसे देखो एन क्यू पूछा है तो एन क्यू का स्क्वायर है तो ये नहीं इसका वैल्यू नहीं दिया है लेकिन एम क्यू और क्यू पी का वैल्यू आपको दिया है एम क्यू नाइन है और QP फोर है एम क्यू नाइन है और ये फोर है तो यहां पे हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई बाई फोर और विच इज इक्वल टू नाइन फोर जो थर्टी सिक्स तो एन क्यू का जो स्क्वायर है ये आपको थर्टी सिक्स मिला है तो देर फोर एन क्यू क्या मिल जाएगा एन क्यू आपको मिल जाएगा सिक्स और यहां पे आप लिख सकते हो टेकिंग मिनट सॉरी तो देखिए इतना है और हाँ एक चीज़ है कि आपको यूनिट्स लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे हम यूनिट्स लिख दे दें क्योंकि हमको कोई वैल्यू नहीं दिया था तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं यूनिट्स तो यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट्स तो इस तो चलिए मतलब सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ये है थर्ड क्वेश्चन और इसमें क्या लिखा है कि इन द फिगर गिवन फिगर अबो मतलब ये ऊपर दिया था मैंने साइड में कर दिया तो एम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एम जो है वो सर्कल का सेंटर है सेगमेंट के एल इज ए टेंजेंट के एल जो है वो टेंजेंट है जिसमें एल टेंजेंट का पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फिर एल इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया भी है फिर एम के इज ट्वेल्व अगर इतना डिस्टेंस जो है वो अगर ट्वेल्व दिया है और के एल के एल ये जो डिस्टेंस है ये सिक्स रूट थ्री दिया है देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल तो आपको सर्कल का रेडियस फाइंड करना है तो सर्कल का जो रेडियस होता है उसमें से ये पार्ट अगर आप देखोगे तो ये भी रेडियस है क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर के पॉइंट पे जाके वो मिल रहा है तो आपको यही फाइंड आउट करना है तो एक चीज़ आप यहाँ पे याद कर सकते हो अगर आपने मतलब सर्कल चैप्टर किया है तो आपको याद होगा कि टेंजेंट थ्योरम से अगर आप देखोगे तो टेंजेंट जो है वो रेडियस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है मतलब ये जो एंगल है ये आपको 90 डिग्री मिलेगा एंगल एल तो एंगल एल बोलिए या एंगल एम एल के बोलिए तो टेंजेंट थ्योरम से हम पहले ये बताएंगे कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो बाई टेंजेंट थ्योरम एंगल एम एल के जो है वो नाइन्टी डिग्री हो जाएगा और जब ये नाइन्टी डिग्री हो जाएगा मतलब हम जब इसको 90 डिग्री बता देंगे तो ये एक ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा जिसमें ये हाइपोटनेस रहेगा और हम पाइथोग्रस के फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि एम के स्क्वायर विच इज इक्वल टू तो एम एल स्क्वायर प्लस एल के स्क्र तो हमको जो पूछा है क्या पूछा है आपको ये पूछा है तो हमारे पास ये भी वैल्यू है ये भी वैल्यू है ये, वैल्यू है, ये आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि ये नाइन्टी डिग्री है उसके बाद ही हम पाइथोग्रस का थेरम अप्लाई करेंगे तो चलिए पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर थ्री आंसर थ्री और उसके बाद हम पहले बताएंगे कि के एल इज टेंजेंट एंड एम एल इज रेडियस तो यहां पे हम सोल्यूशन लिखते हैं सोल्यूशन और लिखेंगे कि सेगमेंट के एल के एल इज ए टेंजेंट एंड सेगमेंट एम एल इज रेडियस एंड सेगमेंट एम एल इज ए रेडियस और फिर हम बोल सकते हैं कि देर फोर देर फोर एंगल एम एल के इज नाइन्टी डिग्री तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे कि देर फोर एंगल एम एल के इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और इसका रीजन दे देंगे टेंजेंट थियरम तो यहाँ पे लिख देते हैं टेंजेंट थियरम उसके बाद आप ले लोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल और बाई थ्योरम से आप लिखोगे एम के स्क्वायर और ये फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां पे हम ऐसा लिखते हैं कि देर फोर इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल एक मिनट सॉरी एम एल के तो हम यहां पे लिखेंगे एम एल के फॉर्मूला लिखेंगे और रीजन दे देंगे बाई थ्योरम तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे एम के स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला कि एम के स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर और यहाँ पे हम रीजन दे देते दे हैं दे बाई थ्योरम थोड़ा राइटिंग पे प्लीज आप मैनेज करिए अब अगर फिगर पे चलते हैं तो एम के का वैल्यू आपको दिया है एम के का वैल्यू आपको ट्वेल्व दिया है तो एम के स्क्वायर के प्लेस पे हम लिखेंगे ट्वेल्व स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर की तरफ अगर चलते हैं तो चलिए एम एल एम एल तो एम एल आपके पास नहीं है तो एम एल स्क्वायर आपको एम एल ही लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एम एल स्क्वायर तो यहाँ पे लिख देंगे एम एल स्क्वायर फिर प्लस एल के तो एल के या के एल सिक्स रूट थ्री दिया है तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं सिक्स रूट थ्री और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे ट्वेल्व का स्क्वायर आपको मिल जाता है वन फोर्टी फोर विच इज़ इक्वल टू एम एल स्क्वायर सेम रहेगा और आप जानते हो कि एम एल जो है वो रेडियस है और आपसे रेडियस ही पूछा है तो एम एल स्क्वायर प्लस इसमें क्या होगा सिक्स का स्क्वायर भी करना पड़ेगा रूट थ्री का स्क्वायर भी करना पड़ेगा तो सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स हो जाएगा इन टू रूट थ्री का स्क्वायर थ्री बन जाएगा तो अब इसको और एक बार सॉल्व करेंगे तो देर फोर वन फोर्टी फोर which इज़ इक्वल टू ml square स्क्वायर प्लस थ्री सिक्सा एटीन एट वन थ्री थ्री जै नाइन और वन टेन वन जीरो एट हो जाएगा फिर वन जीरो एट यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो देर फोर वन फोर्टी फोर माइनस वन ज़ीरो एट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायेर तो चलिए मैं यहाँ पे करूँगा आप नीचे करना तो वन फोर्टी फोर में से वन जीरो एट अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा थर्टी सिक्स तो लिखेंगे देर फोर थर्टी सिक्स विच इज इक्वल टू एम एल और फिर देर फोर अगर एम एल का वैल्यू चाहिए तो वो रूट ऑफ थर्टी सिक्स रहेगा अगर आप ऐसा लिखते हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो देर फोर एम एल जो है वो आपको मिल जाता है सिक्स या डायरेक्ट इसके बाद अगर एम एल सिक्स लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट तो एम एल सिक्स मिलने का मतलब है कि आपको रेडियस मिल गया क्योंकि एम एल आपसे पूछा था देन फाइंड द रेडियस पूछा था तो रेडियस तो एम एल ही है क्योंकि हमने यहाँ पर ही बताया कि एम एल इज़ रेडियस तो फाइनली हम लिखेंगे देर फोर की द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ सिक्स यूनिट्स तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तो चलिए इस तरह लिख दिया तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी आपका फिनिश होता है चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे तो फोर्थ में क्या लिखा कि फाइन द को ऑर्डि ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट तो ये आप जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ये है आपके पास लास्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट है फाइव पॉइंट थ्री अगर ये फिफ्थ लेसन हाँ फिफ्थ लेसन है वो ओमिट हुआ है आप पी डी एफ में भी देख लीजिए पी डी एफ मैंने आपको भेजा है आज ही वीडियो आज ही मैंने पोस्ट भी किया है कम्युनिटी पोस्ट में काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा तो यहाँ पे क्या पूछा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट तो मिड पॉइंट थ्योरम से आ जाएगा ये तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो चलिए क्वेश्चन को मैंने रेफरेंस के लिए रखा है यहाँ पे आपको आप जानते हो कि आपको आंसर पेपर में क्वेश्चन अलग से दिखेगा देगा क्वेश्चन पेपर में दिखेगा आंसर पेपर में कहां पे क्वेश्चन दिखेगा आपको तो चलिए जाने दीजिए यहाँ पे लिखते हैं आंसर फोर और यहाँ पे आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो आप जानते हो कि मिड पॉइंट का जब आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो अगर हमने उसको पी लिया है और उसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है तो उसको अजूम करना पड़ता है एक्स और वाई फिर ये जो पॉइंट है ये अगर है ट्वेंटी टू और ट्वेंटी और ये जो पॉइंट है अगर ये है जीरो को मिक्सटीन तो एक को एक्स वन और एक को वाई वन और एक को एक्स टू और वाई टू तो लेना पड़ेगा तो ये एक्स वन ले लेते ले हैं इसको वाई वन ले लेते हैं इसको एक्स टू लेते हैं और इसको वाई टू लेते हैं और जिसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट का उसका कॉर्डिनेट एक्स और वाई रहेगा तो यहाँ पे पहले इसी से शुरू करते हैं कि लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ये वाला या आप ऐसा कर सकते हो इसको ए ले सकते हो और बी ले सकते हो तो ज्यादा ईजी रहेगा तो चलिए यहाँ पे अज्यूम करते हैं डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा स्टूडेंट्स तो चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं और ऐसा लिखते हैं कि लेट ए ट्वेंटी टू कॉमा ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स वन कॉमा y1 वन तो ये x1 वन है ये y1 वन है ये कॉमा है और b जो है जो आपको दिया है जीरो कॉमा सिक्सटीन तो उसको लिखते हैं जीरो कॉमा सिक्सटीन ये हो जाता है x2 टू और y2 टू और p जो x कॉमा वाई है वो मिड पॉइंट रहेगा इन दोनों सेगमेंट का तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट p x कॉमा वाई बी द मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी तो अब हमको पता है कि पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है उससे हम आ, इसका एक्स और इसका वाई फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे देर फोर बाई मिड पॉइंट फार्मूला तो देर फोर बाई मिड पॉइंट फार्मूला तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है अगर इसका एक्स चाहिए आपको एक्स तो इसके एक्स को मतलब एक्स वन को प्लस इसके एक्स को मतलब एक्स टू को प्लस करिए और टू से डिवाइड कर दीजिए इसका एक्स इसका एक्स प्लस करके टू से डिवाइड करेंगे तो इसका एक्स मिलेगा इसका वाई इसका वाई प्लस करके टू से डिवाइड करेंगे तो इसका वाई मिलेगा तो हमने पहले एक्स फाइंड आउट करना है तो विच इज इक्वल टू एक्स वन के प्लेस पे हम लिख देते हैं ट्वेंटी टू फिर प्लस एक्स टू के प्लेस पे लिख देते हैं जीरो और फिर अपॉन टू यहाँ पे कर लेता हूँ विच इज इक्वल टू ट्वेंटी टू अपॉन टू तो टू वन जट टू टू वन जेट टू विच इज इक्वल टू इलेवन तो एक्स का वैल्यू आपको इलेवन मिल गया वाई बाकी है तो वाई लिखेंगे वाई विच इज इक्वल टू वाई का फॉर्मूला रहेगा वाई वन प्लस वाई y1 क्या है वाई हमने 20 रख समझा है तो 20 प्लस वाई टू वाई टू सिक्सटीन है 16 डिवाइड बाई टू इसके आगे लिखता हूँ विच इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लसटीन थर्टी सिक्स हो जाएगा 36 सिक्स डिवाइड बाई टू Karenge, two two sixteen, so, hai, hai, saa, और इसको डिवाइड करेंगे तो टू वन जो टू और टू एट जिक्सटीन तो विच इज इक्वल टू एटीन तो x आपको 11 मिला है y आपको 18 मिला है जो आपसे पूछा था और फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपको नीचे लिखना है ऐसा लिखेंगे देर फोर एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई विच इज़ इक्वल टू अलेवन कॉमा एटीन ये हमको मिला क्योंकि x का वैल्यू 11 मिला है और y का वैल्यू आपको 18 मिला है और हमसे कोऑर्डिनेट पूछा था फाइन कोआर ऑफ द मिड पॉइंट तो लास्ट में हम वही लिख देंगे यहाँ पे तो हमसे पूछा था कि फाइन दर्डिट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग हमने वो सेगमेंट को ए बी लिया है, तो हम ऐसा लिखेंगे लास्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी आर इलेवन कॉमा एट तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन फिनिश होता है चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड प्रैक्टिस सेट जो है उसका क्वेश्चन है और ये भी ओमिट है आप जानते रहोगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी फिनिश हो रहा है मतलब क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर वन ए वन बी टू ए टू बी हमारा सेकेंड पार्ट तक इतना ख़त्म हो गया है इसके आगे वाले पार्ट में हम आगे के सम्स को सॉल्व करेंगे तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है शेयर करिए लाइक करिए और अगर चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू वेरी मच